नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कामा में मेऊ समाज में जमकर नाराजगी, जायदा खान को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाने पर है खफा। भरतपुर सर्व समाज ने निकाली कैंडल मार्च, आगरा में 10वीं की छात्रा की हत्यारों को गिरफ्तार करने की कर रहे हैं मांग। डिगराज के प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है विद्यालय, कई सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं बालक बालिकाएं। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, आंजना को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर की जमकर आतिशबाजी। चित्तौड़गढ़ बजरंग दल कार्यकर्ताओं में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, देवताओं पर टिप्पणी को लेकर जताया रोष। निम्बाड़ आंजना को कैबिनेट मंत्री बनाने पर कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी, किया एक दूसरे का मुंह मीठा। पिछोर में जियो सिम सेंटर के लोगों को काटने पड़ रहे हैं चक्कर, 10 दिनों तक समस्याओं का नहीं हो रहा है कोई समाधान। और डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। राज्य मंत्रिमंडल में जायदा खान को जगह नहीं मिलने पर कामा क्षेत्र के लोगों ने राज्य सरकार व गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सरपंचों के नेतृत्व में मेयो समुदाय द्वारा जुलूस निकाला गया। जायदा खान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर कामा विधानसभा सहित समस्त मेयो समुदाय में नाराजगी देखने को नजर आई। वहीं जिसके चलते जुर्राहा में मेऊ समुदाय के लोगों ने अशोक गहलोत का पुतला फूंक कर गहलोत सरकार व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मेऊ समुदाय ने लोगों ने जमकर नाराजबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेऊ समुदाय के लोगों का कहना है कि हम इतिहास बनाना जानते हैं तो इतिहास बिगाड़ना भी जानते। आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार में अगर जायदा खान को जगह नहीं मिली तो वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को खासा अंजाम भुगतना होगा। जायदा खान ने कामा विधानसभा से 39,476 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। हमारी मांगे कामा विधानसभा से एक ही मांग, जायदा खान को मंत्री बनाओ। हमारी मांगे पूरी करो, जायदा खान को। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में देर शाम जाटो बगीची पर सर्व समाज द्वारा कैंडल मार्च निकालने को लेकर सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए। कैंडल मार्च जाटवान बगीची बड़ा मोहल्ला से शुरू होकर भूमिया बुजुर्ग लाल दरवाजा नगर पालिका कौसी चौराहा होते हुए अंबेडकर पार्क पर समाप्त हुआ और वहां श्रद्धांजलि सभा हुई। कुंवर कुलदीप सिंह ने बताया कि आगरा में 10वीं की छात्रा संजलि जाटव को कुछ उपद्रवियों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसकी सफरगंज हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। इस मुद्दे को लेकर पूरे भारतवर्ष में सर्व समाज ने जग गहरा आक्रोश है, क्योंकि अभी तक किसी भी मुलजिम को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। इसी के मद्देनजर कामा में सर्व समाज द्वारा कैंडल मार्च निकालकर संजलि जाटव को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा देने की मांग की गई। इस मौके पर संजय भारती, हीरालाल जाजूरिया, जिला प्रभारी भीम सेना, महिपाल निडर, कुंवर कुलदीप सिंह, मनोज लोधा, महेश वाल्मीकि, राजू बौद्ध, मनीष प्रजापति, मुकेश सैनी, चंदन जाटव, जवाहर सिंह बैणम पूर्व प्रत्याशी बीजेपी कामा, ईश्वर प्रजापति पूर्व प्रत्याशी बासपा व सैकड़ों की संख्या में पूरे समाज के लोग मौजूद रहे। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है कामा के अंदर। आगरा के अंदर एक 10वीं कक्षा के छात्रा संजलि जाटव को दो सिरफिरे लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर और लाइटर से आग लगा दी गई, जिसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। और उसी को न्याय दिलाने के लिए हमारी बहन संजलि की जो मर्डर किया दिन दहाड़े, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ होगा। इसलिए सरकार अभी तक उन मुजरिमों को पकड़ नहीं पाई है। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी उन मुजरिमों को पकड़कर फांसी की सजा पे चढ़ाया जाए। डीग में उपखंड के खेरिया पुरोहित गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो कि मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, वहां सरकार की ओर से नियुक्त शिक्षक ही गायब मिला और मौके पर एक पंचायत सहायक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही मिले जो पूरे स्कूल को संभाल रहे हैं। पंचायत सहायिका देवकी शर्मा ने बातचीत में उन्होंने बताया कि मुझे सरकार द्वारा पंचायत सहायिका की व्यवस्था में लगाया गया। इसके अलावा विद्यालय में जय सिंह चाहर,
नामक सिर्फ एक ही शिक्षा के वह भी विद्यालय में किसी कामकाज से बाहर चले जाते हैं या छुट्टी पर रहते हैं तो मुझे ही पूरी व्यवस्थाओं देखनी पड़ती है, जिसमें मुझे स्कूल से ही 1 से 5 तक की कक्षाओं को संभालने की काफ़ी परेशानी होती है। पंचायत सहायिका देवकी शर्मा ने बताया कि विद्यालय में आने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चों को खेतों में से होकर आना पड़ता है। बारिश में खेतों में पानी भर जाता है और रास्ते में अभाव में बच्चे पूरे जुलाई माह में स्कूल नहीं आ पाते हैं। वहीं बच्चों को पीने तक पानी भी और बिजली की कोई व्यवस्था स्कूल में नहीं है। वहीं अप्रैल से 15 मई तक स्कूल टाइम में बच्चे गर्मी से परेशान रहते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में एक क्षतिग्रस्त भवन है जो कि कभी भी गिर सकता है, जिसमें कहीं कबार बच्चे खेलने चले जाते हैं, जिसके 24 घंटे किसी दुर्घटना के होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन शिक्षा विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उक्त मामले की पड़ताल की गई तो डी ब्लॉक के CEO मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने सिनसिनवार के पास पहुंचे तो हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी, जबकि CBEO से स्कूल में ही उनकी ओर से शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं की ओर ध्यान देने की बात कहकर शिक्षा विभाग की खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। CBEO तारा सिंह सिनसिनवाल ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार प्राथमिक विद्यालयों पर 2 शिक्षकों की पोस्ट होती है, एक शिक्षक लगा हुआ है तथा एक पंचायत सहायिका होने की बात कही, जबकि पंचायत सहायकों को स्कूल में लगाना राज्य सरकार की एक अलग से व्यवस्था है। इसके अलावा विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में CEO ने सफाई देते हुए कहा कि गाँव के सरपंच और विकास अधिकारी के माध्यम से स्कूल के लिए रास्ता व पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी और स्कूल परिसर में क्षतिग्रस्त भवन को बनवाने तथा भवन की ओर से बच्चों को न जाने रोकने हेतु शिक्षकों को समझाने आदि की बात कही। बहरहाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से शिक्षा और स्कूलों की समुचित व्यवस्थाओं को कितने ही सच्चे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत किसी और छिप नहीं सकती है और इस सब का खामियाजा महज देश के भविष्य इन छोटे छोटे बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, जिसको ये पता नहीं होता है कि सरकार उनके लिए कितना कुछ करती है लेकिन वह उन तक नहीं पहुंचती है। ऐसे ही बहुत से स्कूल हैं जिनमें व्यवस्थाओं को सुधारा जाना अति आवश्यक है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेरिया है, यहाँ पर रास्ते की बहुत दिक्कत है आने जाने की और पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की नहीं है और इसमें एक क्षतिग्रस्त भवन है जिसमें बच्चे कभी भी दब सकते हैं, कभी भी गिर सकती हो। एक एक एकल टीचर है जिसकी वजह से यहाँ पढ़ाई में भी दिक्कत आती है, ट्रेनिंग वगैरह हम जाते हैं तो फिर मैं व्यवस्था पे लगाई गई हूँ, मेरे को ही सारा संभालना पड़ता है। पंचायत सहायक हूँ मैं और व्यवस्था पे सोनगाम से लगाई गई हूँ और मुझे ही सारा संभालना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निम्बाहेड़ा से विधायक उदयलाल आंजना को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी कर खुशियों का इजहार किया। कांग्रेस कार्यकर्ता LD के सामने उदयलाल आंजना का शपथ ग्रहण देखते रहे, उसके बाद नाचते कूदते हुए खुशियों का इजहार किया, नारेबाजी करते हुए जमकर आतिशबाजी की। चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय बजरंग दल ने चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन देकर देश के माननीय द्वारा हनुमान जी के ऊपर की गई टिप्पणियों को लेकर रोष व्याप्त करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना था कि UP के सांसद नारायण सिंह को कीर्ति आजाद हो या मुख्यमंत्री योगी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हनुमान जी के खिलाफ जो बयान दिए हैं उनके देश के लोगों की भावनाओं आहत हुई है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी नेता बयान देने से पहले 10 बार सोचे। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों के नाम का पुतला फूंका, वहीं नारेबाजी भी की, कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। निम्बाड़ा छोटी चादड़ी विधानसभा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक उदयलाल आंजना राजस्थान सरकार के गहलोत मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते ही आंजना के गृह नगर निम्बाहेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों में हर्ष दौड़ गई। मंत्री आंजना द्वारा शपथ लेते ही समर्थकों द्वारा जमकर आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया और DJ की धुन पर जमकर महिला व पुरुष कार्यकर्ता जमकर झूमे। जो कार्यकर्ता जयपुर नहीं जा सके उनके लिए
कांग्रेस कार्यालय पर भी 8x12 फीट की LED लगाई गई, जिसमें कार्यकर्ता निम्बाहेड़ा होकर भी ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने रहे। ग्वालियर जिले में पिछोर में जियो सिम सेंटर पर उपभोक्ताओं को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिम रिप्लेस कराने के लिए नियम अनुसार एक दिन के अंदर सिम रिप्लेस कर उपभोक्ताओं को देना अनिवार्य है, लेकिन जियो सेंटर पर बैठे कर्मचारी पैसे के लालच में उपभोक्ताओं को परेशान हुए चक्कर कटवाते रहते हैं। ऐसा ही मामला पिछोर जियो सेंटर पर देखने को मिला, जहां कस्टमर को रिप्लेस करने के नाम पर 10 दिनों तक जियो सर्विस सेंटर के अधिकारी द्वारा परेशान किया जा रहा है। सिम चालू करने के से इनकार करते हुए कस्टमर को दोबारा से 2 दिन की मोहलत दी जाती है, जो जहां 2 दिन के बाद दोबारा आने पर फिर 2 दिन की और बोल दिया जाता है। जियो सेंटर के चक्कर लगाकर उपभोक्ता परेशान हो रहा है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई तो उच्च अधिकारियों द्वारा भी उपभोक्ताओं को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। साथ ही टालमटोल किया जाता है, इसके अलावा काफी उपभोक्ताओं को परेशान भी होना पड़ रहा है। सिम को दूसरी कंपनी में पोर्ट कराने पर ज्यादातर उपभोक्ता मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार सर। क्या समस्या है आपकी? मैं जियो मोबाइल से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने पापा को, भैया को, सारे परिवार को ही जियो चलाना चलवा रहा हूँ, लेकिन ये समस्या जो आ रही है, बार बार नेटवर्क चले जाते हैं, बार बार हंग हो रहा है, बार बार काफ़ी समस्या आ रही है। जियो वहाँ पर भी जाते हैं तो जाना आपको जलन कुमार गुप्ता। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, जियो का फ़ोन लिया हुआ था, वो आजकल उसकी सर्विस उसकी सही मिल नहीं रही है, चिपक रहा है, बार बार चिपक जाता है। सर्विस सेंटर जाता हूँ तो बोल देते हैं चलना है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ फॉरवर्ड वॉरवर्ड करके पकड़ा देते हैं। मैंने 2-4 बार कहा भी है उनसे कि आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे और नई खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।